इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलत फहमी में मत रहिए कि सीना चोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया। चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव क्या जेल जाएंगे, ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 4 जून तक जितना हेलीकॉप्टर उड़ रहा है उड़ लीजिए। अब सम्राट चौधरी का इस पर बड़ा बयान है। बिहार में जेडीयू के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं संजय झा, उनका भी बड़ा बयान है और किस तरीके से तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। पर सम्राट चौधरी का गुस्सा तेजस्वी यादव पर फूट पड़ा है, लालू यादव पर फूट पड़ा है। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि चुनाव के बाद 1 लाख और विधानसभा के चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी पूरे कर देंगे। पर कांग्रेस के लोग अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, लोग तेजस्वी यादव पर भरोसा करते हैं। सवाल संजय झा से पूछा गया था। देखिए, जेडीयू से राज्यसभा के सदस्य हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर बरस रहे हैं, लालू यादव पर बरस रहे हैं और तेजस्वी यादव के जेल जाने पर बड़ा बयान दे रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने भी खूब सुनाया है इंडिया गठबंधन के नेताओं को। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 1 और 400 का नारा है, तो दूसरी ओर ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सरकार NDA की नहीं बनेगी। क्या कुछ करे संजय झा, क्या कुछ करे सम्राट चौधरी और क्या कुछ करे बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए और 32 साल के युवा को जेल भेजना चाह रहे हैं। भाई, मैटर कोर्ट में है, ये कोई नई बात नहीं है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, चार्जशीट फाइल हुआ है। वो जो कात्याल को जमानत डिनाई हुआ उसका ऑर्डर पढ़ लीजिए। तो ये तो मैटर कोर्ट में है ना, ये तो ओपन एंड शट केस है कि जमीन लिया गया नौकरी के बदले, ये तो सामने में है। अब कोर्ट डिसाइड करेगा उसमें क्या करना है। उसी केस के बारे में ना बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी कि जमीन के बदले नौकरी जो दिया गया, तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वही केस है ना। केस तो सामने में है सारा और कोर्ट में है, कोर्ट फैसला लेगा इस पर। तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर, आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव, एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा कि आपने पूछा, बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी का करवाया हुआ है। जब इंडिया गठबंधन का में हम लोग थे, अब बॉम्बे में मीटिंग थी, उस मीटिंग में नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई जातीय गणना पूरे देश में होना चाहिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया उस मीटिंग में। जो लोग आज कह रहे हैं कि देश में कराएंगे, उसने नहीं, उनका एजेंडा में जोड़िए, क्योंकि बगल में ममता बनर्जी बैठी हुई थी, उनको कहा कि आप गलत कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। कांग्रेस वाले एक शब्द नहीं बोल रहे थे और वो एजेंडा में नहीं जुड़ा। ये तो नीतीश जी का ना करवाया हुआ है, कि नीतीश जी को काम को कहे हर अपना चाहते हैं, अपना ना काम करें जब मौका मिला, उन्होंने बताए वो क्या किए हैं। ये तो नीतीश कुमार का ना किया हुआ काम है, जातीय गन्ना या 94 लाख लोगों का जो उन्होंने आर्थिक स्थिति से निकाला, कितने लोग लाख लोग गरीब हैं बिहार, उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारा सर्वे उनका कराया हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। और इंडिया गठबंधन में बार बार वो बोलते रहे, न कांग्रेस ने सुना, न RJD ने सुना, न उनके जितने अलाय थे उन्होंने होने दिया उसे। सर, नीतीश कुमार कहें कि चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी मिलेगा और विधानसभा के पहले 10 लाख पूरे हो जाएंगे, पर महागठबंधन के लोग कर रहे हैं कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जी कितना भी बोल रहे हो। अब ये बोलने से क्या होता है, ये बात कितनी बार आपके बीच में बोल चुका हूँ, नौकरी मतलब यहाँ से होटल वाले को भगाओ, व्यवसायी को भगाओ, डॉक्टर को भगाओ, यही ना RJD का राजपाट था भाई। किसने नौकरी दिया यहाँ पर, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है,
कौन है बिहार का मुख्यमंत्री? जो मुख्यमंत्री होता है वही डिसाइड करता है कि क्या होता है, अच्छा बुरा उनके खाते में जाता है। ये 17 महीना में आए तो सब दे के चले गए, इतने ही वो हो गए। इनका अपने विभाग में क्या दिए थे, जो मंत्रालय रखे हुए थे, काहे नहीं बोल रहे हैं उस पर? नौकरी कैसे देते हैं पता है ना, कैसे नौकरी देते हैं? ये स्लोगन गढ़ने से और प्रेस रिलीज निकालने से नहीं होता है, 4 तारीख को जनता डिसाइड कर देगी। युवा बिहारी गुजराती से नहीं डरता है। अरे जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलत फहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है, तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। ये पूरी तरह जो लालू प्रसाद जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जो मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया है, इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी और पूरी तरह खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कल बिहार की जनता को बहुत साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों ने नौकरी के बदला जमीन लिया है वो बक्से नहीं जाएंगे और कानून के नजरों में भी नहीं बक्से जाएंगे और जनता की नजरों में भी नहीं बक्से जाएंगे। और अभी चुनाव चल रहा है, अभी जनता की नज़र में वो चढ़े हुए हैं और जनता बहुत बढ़िया तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को 6 चरण में जवाब दे चुकी है। 7वां चरण जो बचा है उसमें भी और बढ़िया से जवाब देगी जनता, इस बात के लिए इंडी गठबंधन के लोग निश्चिंत रहें। तो अभी आप संजय झा को भी सुने थे, मंगल पांडे को भी सुना है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी बयान सुन रहे थे, किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे। देखिए आपने सुना है कि सम्राट चौधरी का कहना है जो चारा घोटाले किए हैं, जो नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, वो जेल जाएंगे ही जाएंगे। अब सम्राट चौधरी भी अपने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो लिस्ट है वो तैयार हो रहा है, बालू माफिया का लिस्ट तैयार हो रहा है, दारू माफिया का लिस्ट तैयार हो रहा है। ये तमाम जो सवाल है वो जवाब दे रहे थे सम्राट चौधरी, किस तरीके से लालू परिवार पर बरस रहे थे, लालू यादव पर बरस रहे थे। आपने सुना है सम्राट चौधरी का भी बयान, आपने सुना है संजय झा का बयान और आपने सुना है बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी बयान, किस तरीके से जो तीनों नेता हैं वो इंडिया गठबंधन के ऊपर खूब बरस रहे थे, किस तरीके से जवाब दिया वो भी आपने सुना है, तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे चुपचाप। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।